देखो मैंने बाहर रोड पर गाड़ी डलवाई है, आपको ये फोक दिखाने के चक्कर में एकदम में फाइनली एंट्री कर दी और यहाँ की सजावट देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। पूरी पावर जाने कुड़ियां देन फलावर जाने रहंदा जट कमबैक टू आज मैंने व्लॉग आप कर दूंगा बच्चों की। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारे से दिन के साथ। आज का आपको एक सीन बता देता हूँ, हमारी गली का भाई, हमारे स्कूल की छुट्टी हो रही थी तो भाई गली में पापा की परियों की हो चुकी है लड़ाई, लेकिन ये नहीं पता लड़ाई किस बात को हुई थी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी हो रही थी। पापा की परियों की पता आपको लड़ाई कैसे होती है, ये ले इसने एक चुटिया पकड़ी, एक चुटिया इसने पकड़ी। पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पहली फुर्सत में निकल। फ्रेंड के ऊपर हो रही थी या किसके ऊपर हो रही थी पता नहीं, लेकिन मुझे लेकिन लड़ाई देखने में मजा जरूर आ गया। सुबह सुबह सिस्टर पार्सल रेडी कर रही है, पन्नी बना रही है, उसमें भाई फिर क्रीम व्रीम जहाँ जहाँ से आई हुई है वो पार्सल करके भेज देंगे हम, जल्दी जल्दी से आप भी ऑर्डर करो। अभी ना मुझे बहुत सारा काम है, काम कैसे भाई, जो हमारे कपड़े रखे है ना भाई वो ना हम पहन लेते हैं। देखो फिर पहले एक बार देखो पहन के देगी, अगर अच्छी नहीं लगी उतार के तो यूं ही रख दी तो ना मिट जाती है। अभी मुझे उनपे ना भाई सारी शर्टों पर परहेज करनी है, जो जो ऐसी बिगड़ी हुई 10-12 शर्ट है, फिर उन्हें अच्छा खास के बिल्कुल सही करके अलमारी में लगा देंगे, जो फिर बाद में आराम से पहन सके। एक वाली सेट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, अभी ना आराम से परहेज करके ये फिर रख दूंगा। मिलते हैं अब रेडी होके, अभी मैं नहाया भी नहीं था, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था खाने के लिए सामान लेकर आया था। चलो 1 2 3 ये देखो गाइस आज कर रहा रिहान ओम रेस। ये क्या करा भाई, सबसे महंगी शर्ट को हो चुका है तमाम, पूरी इस पे चिपक गए यार, बताओ 1000 रुपए की टी शर्ट है और इन्हें अभी पहने भी बहुत कम बार है। अब भाई परेश इतनी तैट वो हो रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि अभी अम्मी घर के निकली थी, लो मेरी यार मेरी शर्ट बेटी, मेरी शर्ट थी। क्या करा है, क्या करोगे तुम अपनी लाइफ में? तन्नी नहीं आती, मैं तो अम्मी से कह रहा था अम्मी तुम कर दो, लेकिन अम्मी तो परेश करने वाली लाने, परेश करने वाली लाओगी तो अम्मी फायदा होगा, फिर शर्ट नहीं जलेगी तुम्हारी। लोग कर देते तेरे कपड़ों पर भाई, अगर कमेंट करके बताना कोई हो तो परहेज करने वाली बता देना। लेकिन हमारा हो चुका है सत्यानाश और मैं अभी इन शर्ट पे भी नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, अगर ये जल गई तो मेरा पोपट होगा बहुत तगड़ा, जलाना इस पे चिपक जाएंगे सारे, ये भी चिपक जाएगा और अब नहीं करना मैं, ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ और अब तो देखो ही करना। ये फाइनली तुम्हारा भाई रेडी होके आ चुका है और भाई जैकेट में पहन नहीं रहा था, लेकिन मैंने एक राउंड नीचे का मारा, ओए होए इतनी ठंड हो गई तो मैंने जैकेट भी पहन लिया, अन्य भाई नजला खा रहा, तबीयत खराब हो जाएगी, नजला हो जाएगा, खांसी होगी, सब चीज हो जाएगा और भाई इतना दुख हो रहा है, मेरी इतनी फेवरेट शर्ट टी शर्ट जल चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब जल गई तो जल गई, दूसरी ले आएंगे, अम्मी सुन रही है दूसरी। इतनी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जल गई तो जल गई कोई बात नहीं भाई दूसरी होल ले आएंगे। और देखो यहाँ पे मैं अपनी कल्लों ने धुलवा के लिए आता, बिल्कुल एकदम ना मत चमक गई है, अभी ये कह रहा मेरी बैटरी स्कूटी भी धुलवा के ला, तो भाई अभी इसकी भी गाड़ी धुलवा के लानी है, ये भी काफी गंदी पड़ रही है, तो अभी चलते हैं इसे वॉश कराने, अपनी कल्लों को तो दिखा नहीं पाया था लेकिन इसे दिखाएंगे कैसे वॉश होती है। इसका मीटर आ गया, ये करी चाबी ऑन, ओए होए आगे 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 टीवीएस आ गया, ओए होए जल्दी जल्दी से आइए ब्रेक दबाया, ये आ गए रे चलो। एक्सीडेंट हुआ था उसकी बात ना मैं बाद में बताऊंगा, इतने पहले धुलवा लेते हैं हम अपनी गाड़ी। देखो ये आ चुकी है, हमने यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे देखो सारी गाड़ी गाड़ी धुलनी, और मेरी भी कल यहीं पे गाड़ी धुली थी, अभी ये धुलेगी। ओ फो कितनी मट्टी निकल ली है भाई, पूरे ना 400 रुपए ना वसूल कराती है इतनी मट्टी कर करके, देखना कितनी मट्टी निकल ली है पूरी गाड़ी में से, कितनी गंदी होती है हमारी कल धुल जाती है, और इनों की गाड़ी में भाई 10-10 किलो मट्टी जमी रहती है, बताओ क्या करें। आगे के टायर वायर सब गंदे पड़े हैं, चलो कोई बात नहीं अभी इस पे धुलवाते हैं। फाइनली गाड़ी ने हमने धुलवा दी और देखो होए माशाल्लाह से नजर न लग जाए इस बैटरी वाली कुतिया को, बिल्कुल ओके की हो गई, बिल्कुल हर जगह से भाई इस पे कपड़ा पड़वा दिया, पॉलिश पड़वा दी, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक पे पॉलिश पड़ दी तो ब्लैक ब्लैक ही चमक रही है। अभी जा रहे हैं हम रील शूट करने और ये पता नहीं मुझे कौन कौन सी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है, तो भाई हम भी देखते हैं। और शास्त्री पार्क में बना के और दूसरी लोकेशन बना के हम बोर हो चुके हैं, तो हमने सोचा इस वक्त क्यों नया करते हैं, लेकिन जो बात है ऐसा लग रहा है भाई मैं मनाली की ना चढ़ाई कर रहा हूँ, बिल्कुल चढ़ाई पे, और गाड़ी पे भी अब कितना मजा आ रहा है, गाड़ी भी साफ हो चुकी है तो साफ ही है, अब देखते हैं भाई रील की लोकेशन कहाँ पर है वो बनाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ यहीं पर बना ले, यहाँ भी इतनी प्यारी लोकेशन आ रही है।
कुछ लोकेशन लेके आए और लोकेशन दिखाऊंगा हूँ बिल्कुल जिंदा रोड पे ले चुका आ चुके हैं। कह रहे हैं यहाँ पे ना चलने वाली बनेगी। चलो भाई अभी देखते हैं रील कैसी वैसी बनती है। अच्छी बन गई तो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा यार। रियान भी लोग आइडिया ली से आगे मैं फॉलो भी कर लेना और रील को शेयर भी कर देना। चलो वाली बात बता देता हूँ, जो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था ना वो केस हुआ था भाई, वो दो बच्चे थे ना बहुत छोटे छोटे से जरा जरा से दोनों बच्चे थे। एक तो भाई ठुकते ही भग गया और एक रह गया था जिसकी गाड़ी होती है वो तो साथ रहता। वो बच्चे ना भाई गाड़ी पे ना हाथ छोड़ के चला रहे थे और पता नहीं क्या कैसे चला रहे थे। देखो एक तो स्पीड में थी और गाड़ी के बहुत तेज चला रहे थे तो उनके टायर का कुछ ना कुछ आ गया है, पता नहीं क्या बैलेंस आउट हुआ क्या हुआ तो डायरेक्ट बस के अंदर घुसे। अब जैसी बस के अंदर घुसे ना गाड़ी तो वहीं अटक गई और वो दोनों ना फिसल के भाई बिल्कुल अंदर घुस गए। जब भी कहना भाई गाड़ी हल्की चलाओ हाथ छोड़ के बताओ बिल्कुल भी मत चला। उसके ना फिर पापा पापा को बुला लिया था वो, फिर हम चले गए थे वहां से। फिर जो बात हुई वो हुई, ऐसे उनका एक्सीडेंट हुआ था। भाई तुम्हारा भाई घर पे आया था और आगे ना रेडी हो चुका है बिल्कुल और मैं कटिंग वटिंग भी कराया था क्योंकि मेरे बाल हो रहे थे इतने बड़े। मैं सोच रहा था कि न्यू ईयर से एक दो दिन पहले कटवा लूं लेकिन भाई उससे ना बिल्कुल रहा नहीं गया, बहुत आल का सारा था इतने बड़े बड़े बालों में ना। समझ सकते हो ना बड़े बाल ना सही नहीं लगता यार मुझे, तो इसलिए मैंने बाल भी कटिंग करा लिया। अभी मुझे जाना हूर का खाना लेने, हूर का खाना भी खत्म हो गया, पता नहीं कितना खाता है। जब भी खाता है तो मोटा मोटा फुल्ला। और मुझे लाने अपने लिए शूज क्योंकि जो मेरे वाले शूज थे ना क्रीम वाले वो भाई डेली पहन के जा रहा तो मुझे पहन के पुराने हो गए, अब नए लाने चाहिए। अम्मी का खर्चा कराना चाहिए। भाई के भी लोग में देखोगा एक आँख क्या हो गई थी अम्मी दिखा देना, अब तो ठीक हो गए। दवाई डाल के बैठी हुई पता नहीं अम्मी के, उन्होंने बताई थी कि आँख की बीच वाली काली वाली होती है ना इसकी ना पतली क्या फट गई थी, झिल्ली फट गई इसकी, झिल्ली फट गई थी पुतली की, झिल्ली फट गई थी ब्लैक वाली एक लेयर क्योंकि इस पर बहुत सारी लेयर होती है ना तो पहली लेयर फट गई थी। हम सो रहे हमारी आँख में खुजली ऐसे कर ली तो मसली ना तो झिल्ली फट गई, इसलिए कहते हैं थोड़ा मसलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल लो, मसलना तो बहुत बुरा होता है। लेकिन भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपना बिल्कुल बढ़िया करके अम्मी की झिल्ली वापस सिला दी है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सही है। अम्मी की जल्दी से पूरी आ गया, पूरी आ गई पूरी आ गई भाई। अब आग में तीन दिन पानी नहीं डालना और मसलनी तो बिल्कुल नहीं, हाथ हटाई तो बस जितनी मिर्च मसली है मसलने दो, अगर भाई दोबारा मसाली ना तो दोबारा होगी क्योंकि झिल्ली बहुत होती है हल्की। सबसे पहले लेना मुझे हूर का खाना, फिर भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शूज ढूंढने की, अब पता नहीं कहाँ कहाँ पे हम शूज ढूंढेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, पहले इस काम को छोड़ते, पहले ले लेते हैं अपना हूर का खाना। और अभी अब्बू ना बाइक को बिल्कुल कल्लो को बिल्कुल न्यू करा के आ चुके हैं भाई। देखो इसमें आले भी लगवाए और लाइटें भी करवाई, वो चीज कराई, पीछे के ब्रेक ने बिल्कुल ना घिस गए थे। अब्बू ये भी नए करवा के ला, ये भी अब्बू को ठीक करानी है अभी, वो क्योंकि तार मिला नहीं था ना तो दुकान पे, अब्बू बाद में करा लेंगे। हमने हूर का इतना सारा खाना ले लिया, बहुत सारा मतलब कि भाई बहुत दिनों का खाना आ गया है, गीले वाले सूखे वाले और हूर की मिट्टी भी खत्म हो गई थी जिसमें टॉयलेट वॉयलेट करती है ना वाली मिट्टी, बताओ भाई पैसों में तो ये वो करती है। समझ जाओ पीछे बैठा हुआ है ना ये सर में दर्द कर रहा, मोटा बोले आ रहा बोले आ रहा। और ये ऑटो गाड़ी वाले भाई इतना हॉर्न बजाते इतना हॉर्न बजाते, मैंने कि इतना हॉर्न क्यों बजाते, और खाली रोड पड़ा फिर भी देखो ये ऑटो वाला ना वहीं से जहाँ से हमारा वहीं से ना हॉर्न बजा बता रहा टो टो टो। अब तू भी चुप बैठा रहा, ऑटो वाला भी आगे निकल गया, उसके पीछे पीछे चलेंगे हम। टूर का खाना तो घर पे दे दिया, अब मुझे शूज ले लें। और सन्नी कह रहा था मुझे कल शादी में, हमें कल मुझे भी जाना कल शादी में, आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। सन्नी कह रहा था मुझे एनिम जैकेट ढूंढी कुछ भी मिल जाए भाई वो ले लेंगे। अभी हम एक दो दुकान देखी हमने लेकिन पसंद नहीं आई, वापसी इस साइड जा रहे हैं, अगर यहाँ पसंद आती है तो यहाँ से ले लेंगे। फिर भाई फिर मैं अपने शूज ले लूंगा इसके, अगर कपड़े नहीं मिले। आराम की गलियों में से निकल के जा रहे हैं भाई हम ब्रह्मपुरी, क्योंकि जाफराबाद में तो हुडी मिली नहीं, ब्रह्मपुरी में एक और बार ट्राई कर लेते हैं। मन नहीं आ रहा कि हुडी हो गई, पता नहीं क्या हो गया भाई, सातवा अजूबा हो गया दुनिया का जो मिल नहीं रही। पहली शॉप पे आ चुके हैं और भाई हमने आते ने इतना सारा खुलवा दिया, ये देखना भाई हुडी तो कहीं भी मिल नहीं रही, भाई चल नहीं रही हुडी। लेकिन मुझे ना भाई ये व्हाइट वाला पसंद आया, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा था। अभी अपनी अम्मी से पूछ रहा भाई कपड़ों के लिए, व्हाइट वाला चाहिए ब्लैक वाला। फाइनली हमें एक पसंद आई थी, वो मुझे सन्नी को पसंद आई थी, लेकिन मुझे ना व्हाइट कलर पसंद आ रहा था लेकिन भनन नहीं कर रहा मेरे पास व्हाइट कलर रह गया, तो मैंने चलो ब्लैक कलर ले लो। तो चलो जल्दी से थैले में डाल लो और मुझे शूज लेने, मेरा तेरा दिला दिया, मेरा शूज दिला जल्दी से, चलो गाड़ी चलाओ। तो मिले नहीं क्योंकि रात हो रही है और दुकानें भी बंद हो चुकी है ना, यहाँ पे मिल गए मैं उबले हुए अंडे, मुझे देख के जी करने लगे तो मैंने कहा भाई अंडे खाते हुए चलते हैं। वे अपने गर्म गर्म मिर्ची विर्ची डलवा के अंडे आ चुके हैं, चलो भाई जल्दी से ठंडे के मजे लेते हैं। सोस वोस नहीं खाते हैं, सोस खा रहा है क्योंकि मीठी चीजें ज्यादा खाता है। तो भाई मीठा मतलब कमेंट करके बता देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल तो जूते मिले नहीं थे, मैं घर पे आ चुका था, आगे सो गया था, खाना वाना खाया था और अंडे हो रहे थे एक नंबर। तो अब जा रहे हैं दोबारा से अपने शूज लेने क्योंकि भाई आज है दोस्त की बहन की शादी, वहाँ भी जाना है। मैं को शादी अगर देखनी है तो भाई नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगी। वैसे ना मेरा कच्चा पक्का हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है यार, इतनी ठंड में नहाओ। वैसे तो सबसे पहले मैं शूज लाता हूँ, अगर शूज नहीं मिले तो नहीं जाऊंगा, अगर शूज मिल गए तो 100% जाऊंगा। अपनी कल्लो में लगाते हैं चाबी और जल्दी से चलते हैं शूज लेने। ओए होए कल्लो भाई फुल चमक गई है। एक बात तो बताना भूल गया, और भाई आज ना इतना कोहरा हो रहा है हर जगह, और रात को ना भाई के व्लॉग में देख लेना, उनने कम से कम 3 बजे की वीडियो बनाई थी अपनी गली की, पूरा भाई गली का जैसे सामने मेरे बेडरूम से चल रहा है ना इतना भी नहीं दिख रहा था, इतना कोर हो रहा, बस अब ठंड आ रही है। मैं सोच रहा हूँ मनाली में क्या हाल हो रहा होगा जब अपने यहाँ पे इतना बुरा हाल है। तो मैं शूज लेना हूँ लेकिन भाई शूज ना मुझे पसंद नहीं आ रहे, लेकिन अभी एक दुकान हो रहा है वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ तो 100% पसंद आएंगे क्योंकि मैंने एक दो बार वहाँ पे ना दोस्त को भी दिला के लाया था, तो इसलिए मैंने थोड़े से ना पसंद आए हुए थे। और जैकेटें भी बहुत अच्छी अच्छी आई हुई है, लेकिन अपनी जैकेट ये रही किसी से
कम थोड़ी भाई, अलग ही चमकती है, इतनी पुरानी होगी फिर भी भाई इसकी चमक नहीं गई। तो उसको मैं बाद में ले लूँ क्योंकि पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ना भूख लग रही है तो बर्गर ले लेते हैं पहले। चलो चलो चलो, मैंने बर्गर ले लिया लेकिन दानिश कह रहा था मेरा पेट भर रहा है, तो इसलिए क्योंकि भाई देखो उसका पेट भरा ही रहता है तो इसलिए ये नहीं खा रहा, तो मैंने अपने ने ले लिया। चलो भाई जल्दी से यहाँ पे ठंडे ठंडे में खाते हैं। और देखो गाड़ी कोहरा ही कोहरा हो रहा है हर जगह, बिल्कुल ठंडा ठंडा। कहीं दूर चलेगा ना तो हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी, बंदा ना आइसक्रीम बन जाएगा। बात बात में करते हैं, पहले खाते हैं अपना बर्गर। तुम्हारे भाई ने अपने इतने सारे सूट देखे भाई, मुझे फाइनली पसंद आ चुका है। देखो ये वाला जो एलियन टंग रहा है व्हाइट व्हाइट वाला, तो भाई ये पसंद आ चुका है, पैक करवाते हैं और चलते हैं घर पे। मैंने घर पे आकर शूज पहन के देखे तो भाई सबको पसंद आ चुके हैं, बस सबको पसंद आने चाहिए। और मुझे आप कमेंट में करके बता देना आपको कैसे लगे, फिर हमारी कहेंगे फिर अच्छा लाया हम जूते अपने। तुम्हारा भाई आपको फटाफट से रेडी होके मिलता है। 1 2 ओए, तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, आपके हो गए एकदम से भाई, घर कैसे चेंज हो गया भाई। हमने दानिश के घर पे आ गए थे तो इसे भी ले आना, ये तैयार होगा भी, ये भी चलेगा फिर। और एक दो दोस्त हो रहे हैं वो भी जाएंगे, तो मैं वो अभी आपको दिखा दूंगा। घर पे ना अब्बू आ गए थे तो समझ सकते हो ना, अब्बू के सामने थोड़ी शर्म आती है व्लॉग बनाने में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो दानिश के घर पे व्लॉग बना लेंगे। आज जाना है हमें अपने दोस्त की शादी में, अपने हमारे किसी ने शूज को यूं नहीं किया, बुरे लग रहे हैं, जिनने भी एक ने बुरा कह दिया ना उसमें ये मारेंगे। अच्छा हमको सिखा दिया है, मारेंगे क्योंकि हमें पसंद आ रहे हैं और सबको पसंद आ रहे हैं, तो आपको कैसे नहीं आते। और मैंने अपनी कल्लो को ना इसके घर के नीचे लिया, तो अभी कल्लो उठाते हैं और चलते हैं। और भाई आज ना बाहर इतना कोहरा हो रहा है, इतना कोहरा हो रहा है हद से ज्यादा, थोड़ी सी दूर मतलब कि 10-20 मीटर की दूर पे गाड़ी खड़ी है ना, हमें तो गाड़ी भी नहीं दिखेगी, इतना कोहरा हो रहा है। बाकी अभी मैं जाऊंगा ना आपको कोहरा हो रहा सब दिखा दूंगा। अरे भाई इसके तो जीने इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। ये खड़ी अपनी कल्लो, अब जल्दी से भाई कल्लो को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं शादी में। यो देखो कोहरा, मैं आपको कह रहा था ना ये पूरे में हर जगह भाई कोहरा ही कोहरा हो रहा है, और रात को ना बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी, आज तो कुछ ज्यादा तगड़ा कोहरा हो रहा है और मुंह में से भी निकल रहा है। इतनी ठंड हो जाएगी, कोहरा ही कोहरा हो रहा है हर जगह, मैं तो भाई बस कोहरा देखता हुआ जा रहा हूँ। और मैंने गरम बनियान भी नहीं पहनता है, अंदर पूरा कलेजे में सीधा सामने सवार है ना, सीधी मुँह से लग रही है और मुँह इतना लाल हो जाता है 10-15 मिनट गाड़ी में बैठते हैं तो। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है कल्लो को और ये मेरी रूम आ गई है, अभी चलो अंदर चलते हैं। मेरी रूम में फाइनली एंट्री कर दी और यहाँ की सजावट देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। और आती ना ये कहने लग गया मेरे फोटो खींच दे, और मैं कह रहा हूँ 10 रुपए चार्ज एक फोटो का, ये समस्या है। पहले अंदर घुसते हमारी आए नहारी, और मैं इससे कह रहा था अभी पहले टिक्की विक्की खा लेते हैं, यूँ कह रहा पहले खाना खाएंगे, पहले खाते हैं नहारी। और ठंड इतनी लग रही है बस मुझे पूछो मत, ऐसा जी कर रहा है मैं घर जाके ना यार गर्म बनियान पहनी हूं तो ठंड न लगे मुझे, ऐसे करते हैं नहारी पे ले रहे हैं। अभी टिक्की बनवा रहा है, ये अपने नहीं बनवा रहा, मैं मीठी सोडी इतनी गुडल वाली लग रहा है, मीठे का शिकार हो गया। लेकिन जो वादा हुआ अभी ठंड लग रही थी तो हम यहाँ पे आके ना हो गए थे, वो यहाँ पे बढ़िया लग रही है, यहाँ पे थोड़ी देर आज सेक लेते हैं। टिक्की खिला के ना बिल्कुल मूड खराब कर दिया, उस पर मीठी सोट ने ऐसे डलवा लिया जैसे घर में से डलवा रहा है, पूरी भरवा ली जी, तो मीठा मीठा हो गया तो हाथ गंदे आते ना, तो मैं टिक्की का चम्मच ले आया था, मैंने कहा चलो इससे खा लेंगे फिर बार बार कौन हाथ धोए। एक बंदे को ना काम पे लगवा रखा, सारा खाना वाने का सामान ये लाके दे रहा हूँ वाला, ये है फिर आई खाने का मूड नहीं करता लेकिन ये लाता जा रहा ना, मैंने कहा चलो खाने में क्या हर्ज जाना भगाए। हमने खाना तो खा लिया, अब हमने कॉफी पिए भाई, तो कॉफी में ना दूध मैंने सबने कह रहे थे झाड़ी जाके मैंने पी ये देखो देखो ये क्या करा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें कॉफी मिल रही है वही बड़ी बात है, बात नहीं अब जैसी भी है कॉफी तो है। भाई मेरी जॉब को बोलते हैं बाय बाय, अब जा रहे हैं घर पे, कह रहे थे कि दिल्ली से जाएंगे, लेकिन भाई बाहर आके कोहरा देखा तो हमारा बिल्कुल प्लान कैंसिल हो चुका है। दिल्ली से अगर चले गए तो हमारी बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी। देखो मैंने बाहर रोड पर गाड़ी डलवाई है, आपको ये फोक दिखाने का चक्कर में भाई बिल्कुल देखो बंदे नहीं दिख रहे, बंदे गायब हो गए, लेकिन जो बात है बिल्कुल मनाली की फील आ रही है। तो भाई घर पे आ चुके हैं और आपने व्लॉग में कोहरा तो देख लिया होगा, इतना खतरनाक हो रहा है, जैसे भाई सामने गाड़ी चल रही है ना गाड़ी भी नहीं चल रही, और अब रात का 12 बज रहे हैं, अब्बू भी गए चाय पीने जमा मस्जिद में, भाई मैं अभी सामान लेकर आऊं, बाहर से मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो गाड़ियों पे कैसे दिखेगा। चलो कमेंट बोल देते हैं, पहला कमेंट है कुलसुम खातून, अल्लाह आपके अपने बच्चों को खुशियां दिखाए, आमीन, आपकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, आमीन। तुम आमीन भाई, ऐसी अम्मी की दुआ करते रहे ना, अम्मी की आप तो बिल्कुल डन हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दूसरा कमेंट है मौत, आपकी अम्मी को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, अम्मी का बर्थडे है 3 दिन बाद, मतलब 31 तारीख को अम्मी का बर्थडे पे भी कर देंगे हम धमाल। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अम्मी की बात सुनते चलिए। ओके अम्मी का बर्थडे पे हम कंगाल, लेकिन भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अम्मी का बर्थडे करेंगे सेलिब्रेशन धमाकेदार। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।